A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शिवम वाजने और आज हम करेंगे Spotting Error CDS 1 फरवरी 2017। देखिए दोस्तों, ये आपके काम आएगा CDS में, NDA में और FCAT में। ये जो सीरीज चलाई गई है, इसको ध्यान में रख के चलाई गई है कि फरवरी 3 को हमारा CDS का एग्जाम है। देखिए दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, बहुत ही जरूरी है। देखिए अभी हमारे दो पेपर बचे हैं, देखिए CDS 2 2017 और CDS 1 2018। ये दो पेपर अगले दो दिन में नहीं आएंगे, मतलब ये आपको 17, ये जो वीडियो है 17th की मॉर्निंग 10 बजे आपको प्रीमियर हो रही होगी, पर ये तो दो पेपर हैं आपको, ये आपको मिलेंगे मंडे को और ट्यूसडे को। रीजन भी है, देखिए मैंने एक बात नोटिस की है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है मतलब स्पॉटिंग एरर में। वो मुझे व्हाट्सएप करके बता रहे हैं कि देखिए सर, आप बना तो रहे हैं बट हमें कहीं ना कहीं एक अनकम्फर्टेबल सी फील हो रही है वर्ब के साथ, टेंसेस के साथ, ये दो के साथ। पर मेरा मानना है तीसरे भी टॉपिक हैं, मेरा अपने मानना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और चौथा है एक्टिव पैसिव। ठीक, इन चारों सब्जेक्ट्स पे वीडियो बननी बहुत जरूरी है। रीजन बिहाइंड कि अगर इन चारों सब्जेक्ट्स पे अगर आपकी कमांड नहीं होगी तो कहीं ना कहीं स्पॉटिंग एरर में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको लॉजिक से नहीं पढ़ा सकता, ना ही एक्टिव पैसिव। वर्ब और टेंस तो फिर भी मैं आपको सिंपल करके पढ़ा सकता हूँ, बट बाकी दो नहीं पढ़ा सकता। प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के जो क्वेश्चन 2019 के पहले पेपर में आए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, तो इस बार भी चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। तो अगर चांसेस हैं ऐसे तो हम उनको मेक श्योर करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आ जाए। बहुत ही सिंपल आते थे, वो सिर्फ इतना बताना था कि इसका एक्टिव पैसिव है या एक्टिव पैसिव नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। तो चलिए, तो आप ध्यान रखिए कि कल और परसों CDS 2017-2018 की वीडियो नहीं आएगी, वो आएगी मंडे ट्यूजडे को, और इन बाकी चार दिन मतलब आज से लेके संडे तक मैं ये चार टॉपिक कवर करना चाहूंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात, एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर लाइक करें। रीजन बिहाइंड ये है कि देखिए, आप यूट्यूब पे कई बार सर्च करते हैं, ठीक है, पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, मतलब सर्च करते हैं, वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं, पर आपको वो वीडियो नहीं मिल पाती है, पर वो एग्जिस्ट करती है। यकीन मानिए किसी ना किसी ने सोच के तो बनाया होगा ना, ठीक है। और अगर आपका एम CDS है या कोई भी डिफेंस एग्जाम है तो ये चैनल आपके बहुत काम का है, क्योंकि जितनी भी चीजें बनाई जा रही है वो डिफेंस के काम की बना रही है, यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको कीवर्ड नहीं मिलता है, कीवर्ड से आपको वीडियो नहीं मिलती है, हो सकता है मेरा कीवर्ड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टैग में ना डाला, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, जैसे स्पॉटिंग एरर है, तो स्पॉटिंग एरर को कुछ लोग स्पॉटिंग डिटेक्शन के नाम से भी सर्च करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को स्पॉटिंग डिटेक्शन के नाम से सर्च करोगे ना तो नहीं आएगी, पर आप स्पॉटिंग एरर के नाम से सर्च करोगे गूगल पे तो जरूर आ जाएगी, सबसे पहले मेरी ही वीडियो आएगी, ठीक है। अब रीजन बिहाइंड ये है कि मैं हर कीवर्ड को तो नहीं डाल सकता और ना ही यूट्यूब मुझे अलाउ करता है कि मैं हर कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं या अपने टाइटल में यूज करूं, वरना टाइटल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बटन को हिट करें, वरना आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से अगर आपकी कोई काम की वीडियो भी होगी तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है लाइक बटन को, फेसबुक के लाइक बटन को आप बटन प्रेस करें, जिससे आप मेरी हर नोटिफिकेशन पा सकें और आपके काम की हर चीज़ आपके पास हो, ना कि आपको ढूंढना पड़े। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उसे भी आप फॉलो करें, वहां पर भी आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी और एडिशनल कुछ पढ़ने की चीज़ें होंगी वो भी आपको मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत से पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन की डायरेक्शन दी क्या है, थोड़ी बहुत अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत चेंज होता है। देखिए पहले हम देखते हैं डायरेक्शन, ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस, ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन मतलब ये जो एरर स्पॉटिंग वाला सेक्शन है उसमें एक सेंटेंस है, उसमें तीन अंडरलाइन पार्ट है, लेबल ए बी और सी, उसको आप रीड करें सेंटेंस को, फाइंड आउट करें कि उसमें कोई एरर है कि नहीं अंडरलाइन पार्ट में। अगर आपको मिलता है तो इंडिकेट करें अपना रिस्पॉन्स आंसर शीट अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग लेटर, अपनी आंसर शीट में रिस्पॉन्स करके अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग लेटर, मतलब उसके अपोजिट में आप आंसर शीट में अपना आंसर आप लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई एरर नहीं मिलता है तो आप अपना रिस्पॉन्स इंडिकेट करें एस डी। चलिए आगे चलते हैं। पहला है आई वेटेड फॉर रिटर्न विद ग्रोइंग अनीज,
देखिए अब पहला आता है एब्सर्ड, इस चीज को याद रखें और आप भी अपने दिमाग में करके देखें, लॉजिक। और तीसरा है ब्रेक। मेरी सीक्वेंस यही रहती है कि मैं इन तीनों को इसी फॉर्म में यूज करूं, पहले एब्सर्ड, सेकंड लॉजिक, थर्ड ब्रेक। जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा मुझे एब्सर्ड नहीं लगा कहीं भी। आई वेटेड फॉर रिटर्न विद ग्रोइंग अनईज। ठीक है ओके, तो एब्सर्ड तो यहाँ नहीं लगा। अब आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक पे मैं क्या चेक करता हूँ, सिर्फ टेंसेस चेक करता हूँ, क्या टेंसेस सारे इक्वल हैं जो मुझे चाहिए। देखो यहाँ पर टेंसेस में खाली वेटेड में ही है, आई वेटेड, तो बाकी सब अगर पास में है, हाँ है, पर यहाँ पर कहीं वर्ब का यूज नहीं हुआ है तो हम कह नहीं सकते, तो हम इसे सही मान के चलता है, तो लॉजिक भी नहीं आ रहा। अब आते हैं ब्रेक पे। देखिए आई वेटेड, आई के साथ वेटेड, ठीक है सही लगा हुआ है यहाँ पर। अब देखो मुझे ग्रामर ज्यादा नहीं आती, पर क्या सेंस बनने पे काम कर रहा है, वेटेड के साथ फॉर और हर आ रहा है, ठीक है क्या लॉजिक बनना है, आई वेटेड फॉर हर रिटर्न, ठीक है, रिटर्न विद ग्रोइंग अनीज, रिटर्न विद ग्रोइंग अनीज, मुझे ये भी सही लग रहा है। ओके तो यहाँ पर कोई एरर नहीं मिल रहा, तो ये डी हो गया। बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बट अगर आपको कॉमन सेंस भी लगा रहे हो ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जब ऐसे ब्रेक करने पे भी आपको नहीं मिले तो आंसर है डी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट टू प्लीज हिम माई बॉस इज सो एंग्री एट मी। दोबारा पढ़ो दोस्तों तो आपको मिलेगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट टू प्लीज हिम माई बॉस इज सो एंग्री एट मी। देखो दोस्तों अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको मीनिंग तो पूरा समझ में आ गया होगी, उसको समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन स्पाइट ऑफ मेरे अच्छे बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी मैं अपने बॉस को खुश क्यों नहीं कर पा रहा। एट की जगह आएगा विद। जब भी हम किसी इंसान की बात करते हैं ना कि हम किसी से गुस्सा है, तो एंग्री विद मी होता है, योर वाइफ इज एंग्री विद यू, ठीक है आपने सुना होगा। अब आगे चलते हैं। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन आवर रूम। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन आवर रूम। पूरी बात समझ आ रही, बारिश का मौसम है तो हमें बाहर जाना पसंद नहीं है, इसकी बजाय हम चेस खेलना पसंद किया अपने रूम में। देखिए बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे कि हम रेनी डे हैं, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ गुड बॉय, सुना होगा ना कि वी आई एम अ गुड बॉय, इसका मतलब ऐसा आता है कि मैं अच्छा लड़का हूं, तो बीइंग अ रेनी डे गलत हुआ कि वी आर द रेनी डे, नहीं हम तो रेनी डे नहीं है, इट बीइंग अ रेनी डे यहाँ पर सही सेंटेंस होगा। इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन आवर रूम। अब आप कहोगे यार इट बीइंग ना तो इज ना आर ना एम, भाई चक्कर क्या है। देखो यार कुछ चीजों में ना उस सेट पैटर्न होता है, ठीक है यहाँ पर बोल लिखने में हम इसी तरह लिखते हैं इट बीइंग अ रेनी डे, तो यहाँ पर आप याद कर लें यहाँ पर इट बीइंग आएगा। पहली गलत फॉर्म क्यों है बीइंग अ रेनी डे, कि ऐसा लग रहा है वी आर द रेनी डे, हम कहते हैं बीइंग अ गुड बॉय तो हम रेनी, हम गुड बॉय है ना, या बीइंग अ गुड गर्ल तो वी आर अ गुड गर्ल, ठीक है आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय, तो यहाँ पर बीइंग अ रेनी डे हो गया, आई एम अ रेनी डे, नो आई एम नॉट अ रेनी डे, यहाँ पर आ गया इट बीइंग अ रेनी डे। और इट बीइंग अगर आपको सेंस ना लग रहा हो तो यकीन मानिए दोस्तों रेनी डे के साथ ऐसे ही यूज होता है। आपको आने वाले कई सेंटेंसेस 2017 के सेकंड पेपर और 2018 के पेपर में भी ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, तो मैं कहूंगा इसे याद करना है इट बीइंग अ रेनी डे। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर एट नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मीनिंग पूरा समझ में आ रहा होगा, तो एब्सर्डनेस तो एक बार में नहीं पकड़ में आ रही। लॉजिक देखिए सेंटेंस में ग्रामर कैसे इज हैज फील, मतलब सब प्रेजेंट में। अब आते हैं ब्रेक करने पे। देखिए जब मैंने इस पूरे को ब्रेक किया, बड़ा सेंटेंस से टाइम लगेगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ही की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी यूज हो रहा है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा पढ़ के दिखाता हूँ आपको, अगर पढ़ने में नहीं पकड़ आया, मैंने यहां से ही गायब कर दिया। अब देखो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड। देखिए यहाँ जो हु है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर दोबारा ही शी दे की जरूरत नहीं है, समझ रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं। ओके ऑल्दो वी रीच हिज हाउस ऑन टाइम ही हैड लेफ्ट, सॉरी ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। देखिए जब हमारा कोई काम दो एक साथ प्रेजेंट में चल रहे हैं, ठीक है, बट कोई काम पहले से हो चुका है, ठीक है, जैसे हम हाँ, तो
तो मैं ये कह रहा था कि पहले से हो चुका है तो हम यहाँ यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। मतलब पहले वाले में तो सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, दूसरे वाले में पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे ऑल्दो वी रीच हिज हाउस ऑन टाइम ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, ही वॉज लेफ्ट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब उसने कोई टाइम दिया था, उसने कोई टाइम दिया था उस समय पे, पर वो तब तक घर से निकल चुका था, ठीक है। अगर आप खाली ही वॉज लेफ्ट भी बताओगे ना तो भी आपको ये सेंस मिलेगा, बट करेक्ट फॉर्म क्या हुई यहाँ पर, हेड। ऑल्दो रीच हिज ऑन टाइम, रीच हिज हाउस ऑन टाइम, ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। इफ अ थिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल, इट इज वर्थ डन वेल। देखिए ये एक idiom है, ठीक है। अब मुझे इसके कई सारे रिस्पॉन्स मिले हैं। इफ अ थिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल, इट इज वर्थ डन, ठीक है। तो यहां पर मुझे जो पता लगा, यहां पर एट ऑल नहीं आएगा। इफ अ थिंग इज वर्थ डूइंग, इट इज वर्थ डन वेल। तो ये एक idiom है, इसे आप याद कर लें, और इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। ऑल द बॉयज रिटर्न बैक होम वेल इन टाइम फॉर द लंच। देखिए अगर जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसको इसका एरर एक झटके में मिल गया होगा। रीजन बिहाइंड मैंने बताया था, रिटर्न के बाद बैक नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड रिटर्न और बैक सेम मीनिंग है, रिटर्न वापस, बैक वापस, तो दोनों एक ही जगह क्यों लगा रहे हैं। ये हो गया सुपरफ्लुअस एरर। ऑल द बॉयज रिटर्न बैक होम वेल इन टाइम फॉर द लंच, तो बैक यहां से हटा दीजिए। ऑल द बॉयज रिटर्न होम वेल इन टाइम फॉर द लंच, तो गलती हुई बी में। टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड नो ट्रबल इज देयर। देखिए यहां पढ़ने में ही आपको गलत लगेगा, नो ट्रबल इज देयर, देयर इज नो ट्रबल, देयर इज नो ट्रबल, तो गलती है सी में। एब्सेंटनेस से ही आपको पता लग जाएगा कि देयर इज नो ट्रबल, कि सब्जेक्ट पहले आता है ना कि सब्जेक्ट बाद में आता है। चलिए आगे। कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट द प्रिंसिपल इज ऑफर्ड हिम अ सीट। कंसिडरिंग दीज अबाउट दीज फैक्ट दिस प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट। चलिए अब जरा मैं यहां से ये चीज मिटा देता हूँ, आप जरा पढ़ के बताना। कंसिडरिंग द फैक्ट द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट, मिल गया आपको सेंटेंस का जवाब, कि ये चीज बेमतलब में लगाई गई है। कुछ चीजों पे अगर आप दो एक उंगली लगा के देखें ना तो आपको पता लगेगा वो अननेसेसरी है। तो इसमें हमारी जो राइट सेंटेंस हुआ वो हुआ ए। हिज फ्रेंड फील दैट ही विल बी सस्पेंडेड अनलेस ही डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इमीडिएटली। हिज फ्रेंड फील दैट ही विल बी सस्पेंडेड अनलेस ही डिड नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इमीडिएटली या नोवेयर। देखिए अगर आपको अनलेस का काम नहीं पता ना तो आप इस सेंटेंस को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अब जरा इस बात पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो अनलेस है और यहाँ पर जो नॉट है, ये दोनों कहाँ साथ में यूज होंगे कि नहीं, चलिए बात करते हैं। देखिए अनलेस, अनलेस प्रेजेंट टेंस में भी आता है, अनलेस पास्ट टेंस में भी आता है, अनलेस पास्ट परफेक्ट में भी आता है, पर तीनों में एक ही बात बड़ी कॉमन है। मतलब देखिए अनलेस का मीनिंग जो यूज होता है वो इफ नॉट की फॉर्म में होता है। मतलब यू विल बी सिक इफ यू डोंट स्टॉप ईटिंग, यू विल बी सिक इफ यू डोंट स्टॉप ईटिंग, मतलब नॉट का मीनिंग भी देता है, समझ रहे हो आप। अब यहां पर है यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, समझ रही है बात। चलिए आगे देखते हैं विद पास्ट टेंस। इफ ही वॉजेंट वेरी इल ही वुड बी एट वर्क, नॉट इफ, अनलेस ही वॉज इल ही वुड बी एट वर्क, तो इफ और नॉट का सेंस दे रहा है। तो अगर इफ एंड नॉट पहले से ही आ रखे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और सेम चीज आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट में भी, आ डायरेक्टर वुड नॉट हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ शी हैडन हैड अ लॉयर प्रेजेंट। इफ और नॉट दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इफ और नॉट का सेंस जब अनलेस दे रहा है तो हमें वहां पर नॉट नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, तो यहां पर नॉट नहीं आएगा। अब इसको पढ़ के देखें। हिज फ्रेंड्स फील दैट ही विल बी सस्पेंडेड अनलेस ही डज, या सॉरी यहां पर अब आएगा ही रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी इमीडिएटली। इफ ही रिपोर्ट्स, अनलेस ही रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी इमीडिएटली, ठीक है। तो यहां पर नॉट नहीं आएगा, अनलेस के साथ याद करें, आपको बेवकूफ बनाने के लिए हमेशा यूज करेंगे। चलिए। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द ट्रैवल इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवलर्स लॉज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ये आपने मेरी अगर पहली वीडियो देखी है तो मैंने वन ऑफ द मोस्ट का काम बताया। अगर वन ऑफ द मोस्ट आएगा तो
फ्रॉम द मोस्ट मतलब क्या, सबसे कंपैरिजन किए ना ओवरऑल, तो ओवरऑल में जब कंपैरिजन करते हैं तो पहले चेक करो क्या ओवरऑल से कंपेयर किया है। मैंने कहा हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल लॉज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब इस फीचर की बात कही है तो हिमाचल प्रदेश को एम्फेसिस करके ऊपर लेकर आया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जब वन ऑफ द मोस्ट आएगा तो उसके बाद जो नाउन है उसमें एस या ई एस आएगी, तो फीचर्स। ठीक है, यहां पर एस आएगा, मैं जरा यहां पर साफ करके लिख देता हूं, यहां आ गया एस। अब देखिए मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। सिंपल इतना याद रखिए, अगर वन ऑफ द मोस्ट आया है तो उसके बाद जो नाउन आएगी उसमें एस या ई एस जरूर आएगा। अगर कोई नाउन आएगी उसके बाद तुरंत तो उसमें एस या ई एस जरूर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इट वॉज अ रेनिंग कैट एंड डॉग्स, जब आपने से पढ़ा होगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। इट वॉज रेनिंग कैट एंड डॉग, बारिश हो रही है कुत्तों और बिल्लियों की, ये एक idiom है जिसका मतलब होती है बहुत भारी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है अगर हिंदी में कहें तो, इट इज रेनिंग हैविली। ठीक है, इसका मीनिंग है ये, तो इसका आंसर हो गया डी। idioms भी कभी बार पूछ दिए जाते हैं जिनका मीनिंग नहीं समझ में आता तो उनका डी होता है। ये मुश्किल होते हैं बट मैं ये कहूंगा जितने आ रहे हैं उन्हें याद कर लो, कोई एक्स्ट्रा पता लग रहा है तो पता कर लो। ठीक है, वरना कितने सारे idioms इतने सारे हैं कि जितने भी कर लो कम ही पड़ेंगे। आई प्रिफर दिस बुक देन दैट वन, आई प्रिफर दिस बुक देन दैट वन, क्या होगा इसमें? आई प्रिफर दिस बुक देन दैट वन, देखिए इसमें गलती है सी में, पता लग रहा होगा बोलने में। आई प्रिफर दिस बुक देन दैट वन, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है देन एक होता है दैट, देन, ये दो हैं। अब इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आता है ये आपको समझना होगा। देखिए वैसे तो अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं ग्रामर में ये वो तो आपका सारा टाइम चल जाएगा आपको समझ लें। देखो देन जब भी यूज करो वो कंपैरिजन डिग्री के साथ यूज करो, मतलब ई आर, जैसे राम इज स्मॉलर देन, राम इज स्मॉलर देन श्याम, श्याम, तो यहां पर देन यूज हो रहा है, टी एच ए एन देन, जब कंपैरिजन हो रहा है। जब कंपैरिजन नहीं होता, जहां भी कंपैरिजन ना हो तो वहां पर यूज करना है टी एच एन, कंपैरिजन हो रहा है टी एच एन, नहीं हो रहा देन, क्या कह रहे हो यार कुछ समझ नहीं आ रहा, दोबारा सुनो, जब कंपैरिजन हो रहा है तो वहां हम यूज करेंगे टी एच ए एन, अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो टी एच ई एन। तो बताओ यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, आई प्रिफर दिस बुक देन दैट वन, ठीक है, वो प्रिफर करना पसंद कर रहा, कंपेयर नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पर आएगा ई, आई प्रिफर दिस बुक देन दैट वन, तो गलती हुई सी में। Their belongings were lost in the fire. अगर किसी ने मेरी कल की वीडियो भी देखी है तो ये सेंटेंस को वो 90% सही कर ही देगा क्योंकि वो एकदम सिमिलर है। देखिए Their belongings were lost in the fire. सोच के देखिए, मतलब डिट्टो छप छपाया आ गया 2016 के पेपर से क्वेश्चन में, बिल्कुल डिट्टो, अगर आप देख लो 2016 का पेपर सेम ही आया है। वहां पर क्या था, देयर ऑल, यहां पर आ गया देयर, और मैंने बताया था कि अगर देयर ऑल है तो वहां कर दो ऑल देयर, या सही फॉर्म देयर भी है, देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर, या ऑल देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर, दोनों ही सही है, तो यहां पर हुआ डी, नो एरर। ठीक है, क्या बताया था मैं आपको फिर से जरा एक बार बता देता हूँ, खिचड़ी पकड़ी होगी आपके दिमाग में। देखिए लास्ट जो कल का पेपर था उसमें आया था देयर ऑल, तो वो गलत था, वहां पर हमने कर दिया था ऑल देयर, यहां पर है खाली देयर, belonging were lost in the fire, ये भी ठीक है क्योंकि ये subject के साथ use हो रहा है, वहां पर खाली कर देता है उनके सारा सामान, तो वहां पर खाली उसने कर दिया उसका सारा उसका सामान, तो ये भी सही है, तो their belongings were lost in the fire या all their belongings were lost in the fire, तो belongings के साथ ये समझ लो आप their ऐसी फॉर्म में आएगा किसी और फॉर्म में नहीं आएगा, इस बात को याद कर लो, ये सेंटेंस फिर दोबारा आएगा मुझसे आप शर्त लगा लो, तो गलती हुई कोई नहीं क्योंकि सब सही है यहाँ पर, यहाँ पर आ गया डी। अच्छा एक और बात, जो हमारी वीडियो पहली बार देखते हैं उनको ये बात कंफ्यूजन और होगा, बिलोंगिंग्स के साथ वर आता है कि नहीं आता, प्लूरल आता है कि नहीं आता, हाँ जी आता है। ठीक है, तो इसमें तक कंफ्यूज मत होइए, ये एकदम करेक्ट है, यहाँ पर आ गया डी, नो एरर। टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, एब्सेंटनेस दिख रही है कोई, टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, नो एब्सेंटनेस नहीं है, लॉजिक लगाओ, प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट है, एक ही टेंस चल रहा है यहाँ पर, टेक है ना, पर उसके बाद कोई टेंस का यूज नहीं है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
ब्रेक करो, टेल हिम टू ब्रेक, टेल हिम टू टेक, टेल हिम टू टेक, ठीक है, प्रीपोजिशन ढंग से यूज हुई है। अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, ये भी ढंग से यूज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर डी नो एरर। आई कर्टसली आस्क्ड हिम वेयर वॉज ही गोइंग बट ही डिड नॉट रिप्लाई। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आता है वो तो समझ जाएगा, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता उसको नहीं पता लगेगा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वर्ब कंजक्शन का काम होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड होता है मतलब जैसे वर्ब व्हाट, वो कंजक्शन का काम करता है, और जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो क्वेश्चन आता, आई कर्टसली आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग बट ही डिड नॉट रिप्लाई। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया इसका, ही वॉज, वॉज यहाँ आ जाएगा। अब जिनको नहीं आता डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नहीं समझना चाह रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या समय नहीं है और एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो, तो मैं इतना कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन होता तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसे फॉर्म में आता, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा हो, ठीक है, तो वॉज यहाँ पर आएगा ना कि इधर आएगा, ठीक है, चेंज कर दो। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझ आ रहा, एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो, टाइम नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने का, तो वेयर जब भी बीच में आएगा तो वर्ब उसकी जस्ट तुरंत बाद नहीं आएगी, वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, मतलब यहां पर आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलिए। द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। मेमोरेंडा, देखिए मेमोरेंडम का ये प्लूरल है, अगर आपने पहली बार शब्द सुना है तो ये मेमोरेंडम का प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आर आता है, ऑन द टेबल सही है, तो ये डी नो एरर। नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्डली दीज डेज। मैंने आपको बताया था हार्डली हर बार आता है एग्जाम में, ये फिक्स है, और हार्डली के तीन रूल हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, अगर हार्डली सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, मतलब यहां से उठ के वो यहां आ रहा है, तो वहां पर आना चाहिए हार्डली हैड आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब होनी चाहिए, हैड से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, मतलब हार्डली वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अगर सेंटेंस के बीच में हार्डली आ रहा है तो उसके बाद नॉट नहीं आना चाहिए, तो हार्डली बीच में आ रहा है पर उसके बाद नॉट नहीं आ रहा है। तीसरी गलती क्या होती है, अगर इन दोनों में से कोई भी रूल नहीं काम कर रहा तो हार्डली के बाद हार्ड आएगा, हार्डली की जगह क्या आएगा, हार्ड आएगा। देखो, नंदिता आस्क मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्ड दीज डेज, सेंस भी बन रहा है, तो ये गलती हुई सी में। ही कुडेंट फाइंड एन आंसर, ही कुडेंट फाइंड एन आंसर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, 99% अगर जहां हार्डली लिखा है तो उसी वाले सेक्शन में गलती होगी, आप आंख बंद करके भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। बट मैं फिर भी कहूंगा इन तीन लॉजिक का एक बार इस्तेमाल कर लें आप। ही कुडेंट फाइंड एन आंसर, ही कुडेंट फाइंड एन आंसर, क्या कोई गलती है, ही कुडेंट, ठीक है, फाइंड एन आंसर। अगर बी आता तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती, बी तो नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ही कुडंट फाइंड एन आंसर, तो आंसर के आगे एन आता, ये सही है, तो डी नो एरर। हुम यू थिंक विल बी डिसमिस फर्स्ट, मैंने आपको कल ही बताया था कि अब कहीं भी हुम आए तो आप उसका हु कर दो बिना सोचे समझे, क्योंकि अब 99% हुम यूज नहीं होता, तो ये होगा हु यू थिंक विल बी डिसमिस फर्स्ट, तो यहाँ पर आ गया हु, हुम की जगह आ गया हु। ऑफ द मैनी प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट्स द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द मैनी प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट्स द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नन, ओके आगे बढ़ते हैं। ऑफ द मैनी प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नन आर ऑफ अ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस देन द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग द नॉर्मल ह्यूमन रेस फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको देन और देन का मतलब समझाया था, देन आ रहा है करेक्ट, तो इससे पहले कोई कंपेरेटिव डिग्री आनी चाहिए। ऑफ द मैनी प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नन आर ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस देन द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग नॉर्मल ह्यूमन रेस फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो दो बातें, ह्यूमन रेस एक्सटिंक्शन और कोई और प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो कोई और प्रॉब्लम्स और ह्यूमन रेस एक्सटिंक्शन के बारे में एक कंपैरिजन चल रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, ग्रेव वर। ऑफ द मेनी प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, नन आर ग्रेवर कॉन्सिक्वेंसेज देन द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग द नॉर्मल ह्यूमन रेस फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो यहां आया ग्रेव वर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश। चलो अब ऐसे जो सिंपल सेंटेंस आते हैं ना, उनमें बड़ा ऐसा लगता है कहीं गूगली तो नहीं दे दिया, मैं देखो गूगली नहीं दी है यहाँ पर, सब सही है यहाँ पर, ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश एकदम करेक्ट फॉर्म है, तो यहाँ आ गया डी नो एरर। द पियोन हैज नॉट स्वेप्ट द फ्लोर टूडे।
स्वैप, कोई वर्ब फॉर्म नहीं होती, फॉर्म होती है स्वैप्ड। तो यहां पर लगाई गलती बी में। हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील। हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड टू मैरी, हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड टू मैरी सुनील। यहाँ पर बार बार हर की जरूरत नहीं है। हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड टू मैरी सुनील, तो गलती हुई बी में। एम्परर अशोका हैव कॉन्क्वर्ड कलिंगा बिफोर ही एम्प्रेस बुद्धिज्म। देखो यहाँ पर एब्सर्डनेस से आपको कुछ पता नहीं लगेगा। अब आते हैं लॉजिक पे। एम्परर अशोका हैव कॉन्क्वर्ड के बाद आए एम्प्रेस पास्ट टेंस, और अशोका जी तो पहले थे, अब तो जिंदा नहीं है, तो यहाँ पर हैड होना चाहिए या कुछ भी पास्ट में होना चाहिए, मेरा लॉजिक ये कहता है। तो गलती हुई बी में। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट। देखो गलती कहीं सी में है। ठीक है, अब क्या है, एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड। ओके गाइस, चलिए हम कुछ कह रहे थे, मैं जरा रह गया हूँ। ओके सो एवरी स्टूडेंट, मैं जरा स्क्रीन थोड़ी साफ कर दूं पहले जरा। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। एवरी स्टूडेंट एक सिंगुलर है, ठीक है, मानता हूँ ये कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट कर रहा है, पर एवरी स्टूडेंट के साथ कभी देर नहीं आएगा, वहां पर आएगा हिज। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव हिज आइडियाज ऑन हिज सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव हिज आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एवरी स्टूडेंट अगर है तो यहाँ पर आएगा हिज। अच्छा एक बात और, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया है। यहाँ पर मैंने आयत बताया था हर नहीं आएगा, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ हैव आएगा। हर पेरेंट्स के साथ प्लूरल फॉर्म आती है हैव। आई एम रियली सॉरी, जल्दबाजी में गलती हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा हर पेरेंट्स हैव नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील। तो यहाँ पर गलती हुई बी में। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंड। देखिए दोस्तों, मेरी आप फेसबुक आईडी को लाइक करें, मेरी मतलब जो मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक करें। मैं आपको वजह बता ही चुका हूँ, ये आपके ही फायदे की है। कई बार आपके कीवर्ड्स मैच नहीं करते हैं क्योंकि यूट्यूब कीवर्ड्स ढूंढता है ना कि वीडियोस ढूंढता है। ठीक है, अगर आपका कीवर्ड गलत है तो आपको मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, पर अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया तो आप, जैसे सिंपल बात है, एरर डिटेक्शन और एरर स्पॉटिंग दोनों ही सेम चीजें हैं, पर गूगल अगर आपने स्पॉटिंग टाइप किया है तो स्पॉटिंग ढूंढेगा, और अगर आपने डिटेक्शन टाइप किया है तो डिटेक्शन सामने रखेगा। ठीक है, आप चाहे चेक करके देखें, अगर आप टाइप करेंगे एरर स्पॉटिंग आपको मेरी वीडियो सबसे ऊपर मिलेगी, और अगर आप एरर डिटेक्शन टाइप करेंगे तो मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो शायद कहीं नीचे मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे से जुड़े रहें, मेरे पेजेस पे लाइक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन के द्वारा, जिससे अगर कोई नोटिफिकेशन आए, भले ही आप तब ना देखना चाहो, पर अगर आपने नाम पढ़ के छोड़ दिया तो आपके दिमाग में होगा ये वीडियो इस पेज पे अवेलेबल है, और ये डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस में ये काम आएगा ही, और मैं सारी वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो डिफेंस एग्जाम के लिए ही अपलोड करता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर यूनिफॉर्म, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इस पेज को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं आखिर में अपनी वीडियो एंड करने से पहले अपना स्लोगन जरूर बोलता हूँ, जान लगा दो या जाने दो। आपका सपना है, आपके ऊपर है, कैसे इसे यूज करना चाहोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।